करते हैं वो भारत को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो मजहबों को आपस में लड़ा रहे हैं, जो कम्युनिटीज को आपस में लड़ा रहे हैं, जो ऐसा नारा देते हैं जिससे हमारी कम्युनिटियों में तसाद बढ़ता है, फितना बढ़ता है, वो काम जो है बीजेपी कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में मजबूत हिंदुस्तान की बुनियाद रखी गई, क्योंकि जब आप किसी चीज की बुनियाद अच्छी डालोगे, चाहे वो इमारत हो, चाहे वो पुल हो, चाहे वो सरकार हो, वो सरकार आगे बढ़ती है। जो मजबूत बुनियाद डाली गई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में इस मजबूत हिंदुस्तान की, चाहे आईआईएम बने, आईआईटी शुरू हुए, एम्स शुरू हुए, बड़े बड़े पुल शुरू हुए, रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन हुआ, यूनिवर्सिटीज की एक्सपेंशन शुरू होगी, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ी, हमारा वो जो है हमारी मिलिट्री जो है उसको पावरफुल बनाया गया। आज दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री पावर हिंदुस्तान है, और वो कांग्रेस ने बनाया, बीजेपी ने नहीं बनाया, क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब ही हमारी जो गवर्नमेंट थी वो दुनिया की चौथी बड़ी पावरफुल मिलिट्री पावर थी हमारी, और उसके बाद अभी भी चौथी पावर। मोदी जी और ये जो शाह और ये सारे लोग है जो घूमते, हमने बड़ा किया, 550 करोड़ का विमान जो है 1600 करोड़ रुपए का खरीदा, ऐसी काम उन्होंने किए। लेकिन अगर इस हिंदुस्तान को किसी ने मजबूत बनाया है वो कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने और इस नेहरू गांधी परिवार ने। अभी बलवान सिंह जी ने एक बात कही यहां पे कि जब राहुल गांधी जी को घर से निकाला गया इसी बीजेपी सरकार ने, और घर नहीं था उसके पास, जबकि उसके परिवार के 3-3 प्राइम मिनिस्टर और मजबूत तरीन प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और सोनिया गांधी जी 2 गवर्नमेंटों में यूपीए चेयरपर्सन रही, लेकिन घर नहीं था। ये ईमानदारी होती है, इन लोगों ने खरबपतियों को दे भेजा और गरीब का कुछ नहीं किया, 15 लाख करोड़ रुपए लोगों का कर्जा माफ किया, लेकिन किसान को एमएसपी नहीं दी, किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार गरीबों की सरकार होती है, जो नारा बीजेपी इंदिरा गांधी जी ने दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटी थी बेशक उसके टाइम। आज हंगर इंडेक्स में हम लोग पीछे चले जा रहे, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान के पीछे हम गए हंगर इंडेक्स में, और ये बोल रहे बड़ा हिंदुस्तान चमक रहा है, हमने तूफान किया, 5 किलो राशन को लेके पूरा बवाल मचा के रखा है पूरे मुल्क में। तो मैं ये कहूंगा कि जो कांग्रेस ने इस मुल्क के लिए किया और जो मजबूत बुनियाद पंडित नेहरू जी ने रखी, वही मजबूत बुनियाद इस मुल्क को दुनिया की बड़ी इकोनॉमी पावर, दुनिया की बड़ी मिलिट्री पावर, गरीबी से मुक्त, बेरोजगारी से मुक्त, यही कांग्रेस और हमारी सरकार बना सकती है, ना कि मोदी और बीजेपी की सरकार बना सकती है। यही नारा मैं आज भी दूंगा, यही मैं आगे भी दूंगा, और बीजेपी से मुक्ति इस देश को बहुत जरूरी है, जो हम इंशाल्लाह 4 तारीख को दिलाने जा रहे हैं, और यही ऐलान करके मैं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह दोनों सीटें हम यहाँ से भी जीतेंगे, कश्मीर से भी हमारे अलायंस पार्टनर जीतेंगे, और हिंदुस्तान में भी एक मजबूत सरकार की बुनियाद, डेमोक्रेटिक सरकार की बुनियाद हम डालने जा रहे हैं 4 तारीख को। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत दूंगा, हृदय हाफिज, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।